प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा और मुझे यकीन है कि बहुत लोगों की तरह आपको भी शायद कंफ्यूजन होगा कि प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट जो है ये वर्ड्स मटेरियल की डिलीवरी से रिलेटेड है, कि जो हमारा क्लाइंट है, हमारा जो बायर है, उसको जब मटेरियल पहुंच जाता है उसके बाद पोस्ट शिपमेंट चालू होता है, और जब तक पहुंचता नहीं है तब तक उसे प्री शिपमेंट कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका क्लाइंट के पास मटेरियल पहुंचने से कोई रिलेशन नहीं है। आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्या है। फॉर लेटेस्ट अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट समझने के लिए सबसे पहले हमें शिपमेंट पॉइंट समझना पड़ेगा। अब बेसिकली लॉजिस्टिक्स की दुनिया में क्या कहा जाता है कि जब माल या प्रोडक्ट हम शिपिंग लाइन या एयरलाइन से, बेसिकली जो भी कैरियर है जो हमारे प्रोडक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जा रहा है, जब हम उस कैरियर को प्रोडक्ट हैंडओवर कर देते हैं उसे कहेंगे शिपमेंट पॉइंट, और इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं हम FOB, फ्री ऑन बोर्ड। यानी यहाँ पर हमने जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हैंडओवर कर दिया है। इस हैंडओवर के पहले की जो जो एक्टिविटी है वो हो गई प्री शिपमेंट एक्टिविटीज, और इस हैंडओवर के बाद की जो जो एक्टिविटीज है वो हो गई पोस्ट शिपमेंट एक्टिविटीज। अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको अभी तक पता ही होगा कि तीन मेजर फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है डॉक्यूमेंटेशन फंक्शंस, दूसरा होता है लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज, और तीसरा होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन में प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से देखा जाए तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें शिपमेंट की स्टार्टिंग में बनाने पड़ते हैं कैरियर को हैंडओवर करने से पहले, वो सारे प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स में काउंट होंगे। जैसे इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल फाइल करना, कस्टम क्लियरेंस कराना, लैब टेस्ट कराना, या फिर कोई और सर्वे रिपोर्ट्स है, तो ये सारे जाएंगे हमारे प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स में। और एक बार जब शिपिंग लाइन को हमने हैंडओवर कर दिया कार्गो, तो उसके बाद की जो डॉक्यूमेंटेशन है, जनरली वो सारे जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्ट क्लियरेंस और डेस्टिनेशन पोर्ट से रिलेटेड होंगे, जैसे ड्यूटी सर्टिफिकेट, या फिर इम्पोर्ट वाली कंट्री के कस्टम से कार्गो क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लेना, या फिर आपका जो बायर है उसको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए माल को छुड़वाने के लिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब देखते हैं लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज में प्री और पोस्ट क्या होता है। सबसे पहले हमने मटेरियल को मैन्युफैक्चर किया, उसे प्रोसेस किया, उसे पैक किया, अपनी फैक्ट्री से उस मटेरियल को डिस्पैच किया ICD, CFS, पोर्ट, जो भी रेलेवेंट पॉइंट है वहां तक, और फिर उस पोर्ट के अंदर उसे कंटेनर में स्टफ किया, कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस कंप्लीट किया, और सील लगा के शिपिंग लाइन को हैंडओवर किया। तो ये जो सारी लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज है ये सारी हमारी काउंट होगी प्री शिपमेंट लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज में। अब जब एक बार शिप डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंच गया तो शिप से कंटेनर को उतारना, कंटेनर को खाली करवाना, कंटेनर का इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस करवाना, ड्यूटी भरना, प्रोडक्ट को किसी व्हीकल पे लोड करके इंपोर्टर की फैक्ट्री या फिर इंपोर्टर के गोडाउन तक पहुंचाना, इसको कहेंगे पोस्ट शिपमेंट लॉजिस्टिक्स एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटीज है दोनों, जहां पर हमारा मिड पॉइंट हो रहा है शिप या एयरलाइंस, जो भी हमारा कैरियर है उसको प्रोडक्ट देना, तो उसके पहले की सारी एक्टिविटी हो गई हमारी प्री शिपमेंट एक्टिविटीज, और उसके बाद की सारी एक्टिविटीज हमारी हो गई पोस्ट शिपमेंट एक्टिविटीज। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस को पैकिंग क्रेडिट भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक टाइप का एडवांस लोन होता है जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट और आपको दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने मटेरियल का प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, उसका लॉजिस्टिक्स यानी कि शिप तक पहुंचाने का जो भी खर्चा है एक्सपोर्ट में, उसको करने के लिए अगर आपको पैसों की मदद चाहिए तो वो काउंट होगी प्री शिपमेंट फाइनेंस के अंदर। गवर्नमेंट इस प्री शिपमेंट फाइनेंस के थ्रू एक्सपोर्टर्स को और ट्रेडर्स को ये सपोर्ट करती है कि वो बैक टू बैक मल्टीपल ऑर्डर्स ले सके वर्किंग कैपिटल की ज्यादा चिंता किए बिना। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की बात करी जाए तो दोस्तों पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस काफी क्रिटिकल है, क्योंकि बेसिकली हमने जब भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया यानी शिपिंग लाइन को हैंडओवर कर दिया, तब से लेकर नॉर्मली 30-40 डेज तो लग ही जाते हैं कि एक प्रोडक्ट क्लाइंट के पास पहुंचे और हमें हमारा पेमेंट मिले। अब ये 30-40 डेज तक आपके पास कोई नया ऑर्डर आता है, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो आप कहाँ से लेंगे? देखिए, आपने तो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया तो आपका पेमेंट आना तो है ही, लेकिन आज आपको नया प्रोडक्ट खरीदना है या फिर आज आपको अपने कुछ एक्सपेंसेस मीट करने हैं, तो इसके लिए जो आप फंड रेजिंग करेंगे उसे कहा जाएगा पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। यहाँ पर बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं एज अ प्रूफ कि आपने एक्सपोर्ट किया है, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को दिखाना है, और आप उन डॉक्यूमेंट्स के सहारे आपका जो भी पेमेंट आ रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने $1,00,000 का एक्सपोर्ट किया है, तो आपका $1,00,000 रिसीव होना है, तो उस $1,00,000 पे आप कुछ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के नाम पे $70,000-$80,000 आराम से ले सकते हैं इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे, जिससे क्या होता है आप नए ऑर्डर्स ले सके, आपका वर्किंग कैपिटल अटकता नहीं है,
और स्पेशली आप इस लूप में नहीं फंसते कि जब तक एक पेमेंट नहीं आता है तब तक मैं दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता। आप बैक टू बैक बिजनेस कर सकते हैं, स्पेशली प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की सुविधा को एकदम बैलेंस में यूज करके। वेल दोस्तों, मेरे को उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं फ्री में। और अगर आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट jbsacademy.com को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। वहां पर हम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेके आए हैं जहां पर आपको फुल गाइड किया जाता है कि आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कैसे चालू कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है, कोई जॉब लेनी है, तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। मैं हूं कुणाल, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। फॉर डिटेल्ड लर्निंग ऑफ ऑल लॉजिस्टिक्स सब्जेक्ट्स विजिट www.logivader.com।